आज वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी G20 के मेहमानों के साथ करेंगे डिनर। अखिलेश यादव का दावा, लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी समाजवादी पार्टी। यूपी में इस हफ्ते पड़ेगी भीषण गर्मी, ज्यादातर जिलों में धूल भरी आंधी चलेगी। कांग्रेस नेता अजय राय बोले, कांग्रेस मजबूत है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जीतेंगे 2024 का चुनाव। नोटों की हेराफेरी में इंस्पेक्टर और दरोगा समेत 7 बर्खास्त, वाराणसी में 3 जून को कार में मिला था 93 लाख रुपए, भूमिका संदिग्ध मिलने। बैडमिंटन खेल रहा शख्स अचानक कोर्ट में गिरा, हुई मौत, लोगों ने दौड़कर उठाया, CPR दी, फिर भी नहीं बच पाई जान। G20 के डेलीगेट्स का स्वागत, काशी पहुंचे विदेश मंत्री, वाराणसी में 20 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश जानेंगे यूपी का विकास मॉडल। हिम्मत है तो गिरफ्तार कीजिए सुब्रत पाठक के चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारने का वीडियो, ट्विटर कर सपा का हमला। प्रसाद खाने से लौटे बेटे की आंखों की रोशनी, इसलिए बने हिंदू, अब मिल रही जान से मारने की धमकी। जमीन विवाद में नहीं हो रही थी सुनवाई तो आत्मदाह करने लखनऊ पहुंच गया परिवार, थाना प्रभारी पर एक्शन। नानी ने मोबाइल के लिए डाटा तो नातिन ने दे दी जान, 13 साल के बच्ची का ऐसा खौफनाक गुस्सा। सीएम योगी बोले, पहले की सरकारें किसानों पर गोलियां चलवाती थी, लखनऊ में कहा भाजपा सरकार ने 5 साल में 2,13,400 करोड़ गन्ना मूल्य का किया भुगतान। मेरठ में भाजपा नेता के घर में मिला शव, बेड पर थी बॉडी, पास में पड़े थे रिवॉल्वर, पत्नी बोली मुझसे मारपीट की थी, मैं मायके चली गई थी। सीएम योगी बोले, हमारी सरकार में नहीं हुई थी एक भी गलत भर्तियां, PGI में कहा 6 साल में 6 लाख सरकारी नियुक्तों की, सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में भर्ती। चलते ट्रेन के नीचे आई महिला, जवान ने बचाया, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। नाबालिग जूडो खिलाड़ी से टीचर ने किया रेप, मेरठ में 200 ग्रामीणों के साथ बच्ची को गोद में उठाकर थाने पहुंचा पिता, कहा साहब फांसी दो। लखनऊ में ड्रोन से बिजली चोर पकड़ने का वीडियो वायरल, टीम पहुंचते ही कटिया हटाते आए नजर, 4 दिन में 50 पर FIR। सीतापुर में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, पिता बोले विशेष समुदाय के 3 लड़कों ने किया रेप। नातिन की मौत की खबर सुनकर दादी ने तोड़ा दम, एक दिन पहले जीजा साली ने साथ में खाया था जहर, दोनों की हुई मौत। मोबाइल फोन ज्यादा यूज करने पर बड़े भाई ने फटकार लगाई, कुएं में कूद गई इकलौती बहन।